हाय, अब हम डिस्कस करें लेटर सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट ए। इस क्वेश्चन में बोला गया पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो जो हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है उसके अंदर एरर फाइंड आउट करनी है। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का इनपुट करा गया। string.h फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए यूज करा गया, ठीक है। इंटीजर मेन फंक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा, तो रिटर्न के अंदर जीरो आ गया। ओपनिंग हुई तो यहाँ पे क्लोजिंग भी होगी, तो मतलब मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर तो ठीक है। अब चलते अंदर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक स्ट्रक्चर डिफाइन डिक्लेयर कर रखा है, जिसके अंदर पहला तो एलिमेंट आ गया कैरेक्टर नेम 25, इंट एज, फ्लोट सैलरी, कैरेक्टर इंटीजर और फ्लोट। अब स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ई, और ई डॉट नेम के अंदर हमने कॉपी कर दिया सैलरी, बिल्कुल ठीक है। एज के अंदर डाल दिया 25 और सैलरी के अंदर डाल दिया ये 155500। लेकिन यहाँ पे हमने यूज ई डॉट नेम जैसे कर रखा था, वैसे ई डॉट एज और ई डॉट सैलरी यूज होना चाहिए था, लेकिन इसने तो एज ए नॉर्मल वेरिएबल की तरह पास कर दिया, जबकि ये नॉर्मल वैल्यू स्ट्रक्चर का एलिमेंट नॉर्मल डेटा टाइप की तरह बिहेव करता है। ई डॉट नेम बिल्कुल सही था, अगर नेम केवल वेरिएबल डिक्लेयर होता तो ई डॉट एज होना चाहिए था, ई डॉट सैलरी होनी चाहिए थी। यहाँ पे एरर क्या गई कि आपने एज एंड सैलरी अनडिक्लेयर्ड है, डिफाइंड नहीं है। अब चलते हैं बी डॉट बी के ऊपर। इंक्लूड stdio.h इंट मैन स्ट्रक्ट कैरेक्टर बुक नेम और फ्लोट प्राइस आ गया, ये यहां तक ठीक है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि इंटीजर टाइप का रिटर्न है तो रिटर्न में जीरो कर दिया। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, स्ट्रक्चर का भी ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग के बाद में सेमीकोलन लग गया, मतलब स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप डिक्लेयर करा था हमने, यूजर डिफाइंड, उसका हमने डिक्लेयर करा स्ट्रक्ट बुक बी, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जो कि बुक टाइप का हो, तो एरर क्या देगा यहाँ पे, बुक नॉट डिफाइंड, ये इस तरीके से होना चाहिए था। अब बी डॉट सी इंक्लूड stdio.h बिल्कुल ठीक है, हमने ग्लोबल स्ट्रक्चर की तरह डिक्लेयर कर दिया स्ट्रक्चर वायरस, कैरेक्टर सिग्नेचर हो गया, स्टेटस हो गया, इंट साइज हो गया, तो स्ट्रक्चर तो हमने सही डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसके बाद में जस्ट हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इसको यूज करने के लिए वी कैपिटल ब्रैकेट में 2, जो कि एक एरे को डिक्लेयर करने का प्रोसेस है, एरे को एक्सेस करने का प्रोसेस है। अगर वी एक एरे डिक्लेयर होता तो हम इसको यूज कर सकते थे, लेकिन इसे तो डायरेक्ट जहां पे डिक्लेरेशन है वहीं पे एरे को एक्सेस करने की तैयारी कर दी है, तो यहाँ पे इसके अंदर एरर आ गई कि यहाँ पे वी एक एरे नहीं है, पहले एरे डिक्लेयर करो, एरे नॉट डिक्लेयर्ड। अब बी डॉट डी इंक्लूड stdio.h स्ट्रक्ट एस, जिसके अंदर के कैरेक्टर इंटीजर फ्लोटिंग टाइम के वेरिएबल एलिमेंट्स हैं, दो हमारे पास फंक्शन हो गए एफ एंड जी, जिसके अंदर एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं हम और एक के अंदर स्ट्रक्चर का पॉइंटर पास कर रहे हैं। मेन फंक्शन है, रिटर्न टाइप इंटीजर है तो रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न कर रहा है जीरो, ओपनिंग ब्रेसेज हो गए, क्लोजिंग ब्रेसेज हो गए, तो मतलब ठीक है। स्ट्रक्चर एस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया सी, क्योंकि कैरेक्टर एक ही था तो सही है, इंटीजर के अंदर 100 डाल दिया, फ्लोटिंग के अंदर 12.55, ये भी मतलब हमारा ठीक है। अब चलते हैं एफ वी ए आर, जो फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर था उसके अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर पास था तो उसने स्ट्रक्चर पास कर दिया, और जी के अंदर स्ट्रक्चर पॉइंटर पास था, मतलब उसका एड्रेस पास करना था, ये पास कर दिया। अब चलते हैं फंक्शन के अंदर, वॉइड एफ के अंदर स्ट्रक्चर नॉर्मल पास करा हुआ है, स्ट्रक्चर एस को वी की तरह, और यहाँ पे इनको प्रिंट करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर की जगह पे एरो ऑपरेटर का यूज करा हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। एरो ऑपरेटर का यूज जब करते हैं, जब अगर यहाँ पे हम एड्रेस पास कर रहे होते हैं, पॉइंटर स्ट्रक्चर को पास कर रहे होते हैं। अब आगे वॉइड जी के अंदर स्ट्रक्चर एस का पॉइंटर चला गया है वी, और वी के अंदर वी डॉट सी एच के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं, जबकि ये गलत है, इस यहाँ पे होना चाहिए था एरो ऑपरेटर के, वी एरो ऑपरेटर और सी एच, तो ये हमको एक्चुअल वैल्यू देता, तो इसके अंदर एरर क्या आ रही है, तो एफ और जी के अंदर जो प्रोसेस था उसके अंदर स्ट्रक्चर को एक्सेस करने का, वो जस्ट रिवर्स कर रखे, एक दूसरे को रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो क्या आएगा आउटपुट, रॉन्ग यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर एंड एरो ऑपरेटर। अब चलते हैं बी डॉट ई के अंदर, इसमें क्या है stdio.h, ठीक है, स्ट्रक्ट एस एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है जिसका कि एस उसका नाम हो गया, इंटीजर आई हो गया, स्ट्रक्चर एस पॉइंटर पी हो गया, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर मेन फंक्शन हो गया, इंटीजर टाइप हो गया तो रिटर्न में चला गया जीरो, ओपनिंग हो गया तो क्लोजिंग भी हो गया। अब जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखे स्ट्रक्चर एस टाइप के, वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू, वेरिएबल वन के आई के अंदर स्टोर कर दिया हमने 100, वेरिएबल टू के आई के अंदर स्टोर कर दिया 200, लेकिन हमने वेरिएबल वन के पी के अंदर क्या स्टोर करा, एड्रेस ऑफ वेयर टू,
क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो वहां पे एड्रेस स्टोर हो सकती है। उसी तरीके से वेर टू के अंदर पी चला गया तो वेर वन, आउटपुट में क्या रहा, परसेंट डी इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना, वैल्यू शो करनी है, तो वेरिएबल वन डॉट पी, वेरिएबल वन डॉट पी इस एड्रेस की वैल्यू के ऊपर आई की क्या वैल्यू थी वो प्रिंट करनी है, और यहाँ पे पी वेरिएबल टू के ऊपर आई की वैल्यू क्या थी वो प्रिंट करनी है। तो वेरिएबल वन के ऊपर क्या है 100 और टू के ऊपर क्या है 200, तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा 100 एंड 200, ये वाला प्रोग्राम हमारा बिल्कुल एरर फ्री है। ओके, थैंक यू।